तो ये जो हाइपरसोनिक ग्रिड व्हीकल मिसाइल्स हैं, ये सिंपल सी चीज है कि जब आप किसी प्रिसाइज टारगेट पे ले जाना चाहते हो तो उनको बार बार रीडायरेक्ट करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी चीज है, जो वर्ल्ड वाइड अभी नहीं हो पा रही थी, बट इसको रशिया ने सबसे पहले यूज किया। तो पहली फ्लाइट टेस्ट जब हमने की तो क्या किया, देखिए हमने यहाँ से इसको छोड़ा, यहाँ से निकली, इसके बाद इसने यहाँ से ग्लाइड किया, फिर हमने इसको दोबारा सेट किया, फिर इसका टारगेट सेट किया, फिर इसका टारगेट सेट किया, फिर इसका टारगेट सेट। तो हम व्हीकल को जितनी बार चाहें उतनी बार सेट कर सकते हैं, इसके टारगेट बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है सैटेलाइट कंट्रोल्ड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, भाई रॉकेट से ऊपर पहुंचाना है उसके बाद ये अपने आप काम करने लगेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। न्यूज में क्यों आई थी, रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बार यूज की थी यूक्रेन। हाइपरसोनिक मिसाइल वैसन सिस्टम है जो फ्लाई करती है स्पीड ऑफ मार्क 5, साउंड की 5 गुना ज्यादा स्पीड से करती है, और इसको आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। यह हाइपरसोनिक है और क्या करती है, मैनूवर कर सकती है, मैनूवर कर सकती है इसका मतलब अपने डायरेक्शन को बदल सकती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी से बेहतर ही काम करती है। अनलाइक बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल डू नॉट फॉलो अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, बस ऐसे फॉलो करती, ठीक है, यहां से दागी, हवा से यहां गिर गई, बड़े क्या करती है, यहां से दागी, ऐसे भी जा सकती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसकी ट्रैजेक्टरी आप बदल सकते हो। दो टाइप ऑफ हाइपरसोनिक आपका मिसाइल्स होती हैं, पहली होते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अलग चीज है और हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल अलग चीज है। हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल जो होता है, रॉकेट इसको लेके जाता है ऊपर, उसके बाद ये पावर्ड होती है, एयर ब्रीथिंग हाई स्पीड इंजन होता है जिसे स्क्रैमजेट बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर में आने के बाद इसका खुद का इंजन होता है जो इसके लिए काम करने लगता है और इसको टारगेट तक ले जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसको बेहतर बनाती हैं। अब एडवांटेजेस क्या है, देखिए, इनेबल टू रिस्पॉन्स लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शन अगेंस्ट डिस्टेंस, ठीक है, टाइम क्रिटिकल थ्रेट्स जो है उनके लिए सपोर्ट है। कन्वेंशनल हाइपरसोनिक वेपन जो है काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं, मोशन के टाइम भी ऐसा नहीं करते। इसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल डिटेक्टेबल है, हाइपरसोनिक चैलेंज है डिटेक्शन क्योंकि इसकी स्पीड बहुत है, और क्या होता है लोअर ऑर्बिट में भी, लोअर एल्टीट्यूड में भी जाकर ये मैनूवर कर सकती है। जो मैनूवर कर सकती है वो मिसाइल कभी भी पकड़ी नहीं जाए। ग्राउंड बेस रडार और टेरेस्ट्रियल रडार कैन नॉट डिटेक्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स अंटिल द लेट फ्लाइट ऑफ द वेपन, जब वो बिल्कुल पास पहुंच जाती है तब इनको पता चलता है, तो इसका प्रोटेक्शन करना बड़ा मुश्किल है। दिस डिलेड डिटेक्शन मेक इट डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड कि मिसाइल अटैक से वो बच पाए, और इसको इंटरसेप्ट करके फिर मिसाइल को चलाना मुश्किल है। इंटरसेप्ट मिसाइल हो भी जाए तो भी इसके अगेंस्ट आप कोई भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को प्रयोग में नहीं ला सकते, तो एक खतरा होता है। कौन कौन सी कंट्रीज के पास इस टाइम पे हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं इस टाइम पे, यूएसए के पास, रशिया के पास, चाइना के पास है, इनके हाइपरसोनिक जो है वो यूज करने लायक है। इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना खुद का वेपन्स इस टाइम पे बना रही है। तो ये हमने यहाँ से लॉन्च किया था, ये पूरा था डीआरडीओ का, ठीक है, HSTDV था जिसको इन्होंने लॉन्च किया था। इसमें इन्होंने बताया था कि हम अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को खुद बनाएंगे, ग्लाइडेड मैनर में होंगी, ये अपनी लोकेशन को खुद ही टारगेट करेगी और प्रिसाइसिंग के साथ जाएगी, ठीक है, और इसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अच्छा चीज है, अगर ये तैयार हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग इंडिजीनियस ड्यूअल कैपेसिटी कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम बोलते हैं। और इंडिया ने मार्क 6 स्क्रैमजेट को जून 2019 और 20 में चेक कर लिया था, मतलब 6 की स्पीड साउंड की। इंडिया ऑपरेट्स एप्रोक्सीमेटली 12 हाइपरसोनिक विंड टनल्स एंड इज केपेबल ऑफ टेस्टिंग स्पीड अप टू मार्क 13। ये साउंड की 13 गुना तेज स्पीड तक की चीजों को टेस्ट करने लायक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया आने वाले टाइम पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इसको अगर आप डेवलप करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा।